गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे रे 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 रे। वर्मा के आदमी को मारा और वर्मा ने माफ कर दिया, तो मेरे साथ काम करने वाले फेडअप हो जाएंगे। लेकिन वर्मा के आदमी को मारने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए ये न्यूज पहुंच गई तो मेरे आदमियों को मिलेगा बूस्ट और इंडस्ट्री करेगी टॉक। असरदार है ना सर, अगर मुझे जो काम करने है वो मैं अच्छे से करूंगा तभी तो सामने वाला अपना काम अच्छे से करेगा ना। कसम से बोल रहा हूँ सर, ये मैं हॉबी के लिए नहीं करता, 100% प्रोफेशनल। मुझे सिर्फ एक अपॉइंटमेंट दो। आपके पैर पड़कर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे साहब आप समझ नहीं पा रहे हो। अब आपको समझेगा ऐसी भाषा में बताता हूँ। सबके घर में पहले दादा मरता है ना, लेकिन तेरे घर में होगा डिफरेंट। पहले जाएगा पोता, फिर पोते की माँ, फिर उस माँ की सास, और फिर उस सास का आदमी, यानी कि तू। जिस दिन तुझे मारने आऊंगा ना, उसी दिन मिलेगा तुझे अपॉइंटमेंट। अब तो समझ गया होगा ना, बाय। ए रिची, तुझे बोला था ना वो यही है। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, गुड्डे चना चबाएगा ले। अबे साले सांस भी ले रहा है कि नहीं, बंद कर देंगे। भागेगा तो छोड़ देंगे क्या? बुड्ढे की हड्डियों में जान आ गई, देख कितना। ए बुड्ढे, ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है। तेरे पोते वो बुड्ढा गली में आके अकेला फंस गया रे। ए अलियाने से सुना बुड्ढे, अभी चौड़ा होके बैठा और हमारे सामने पी रहा है। ए क्या पोते को बचाने की खुशी में पी रहा है? जब थूकना होता है तो मैं बात नहीं करता। जब थूकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस थूक देता। मेरे पोते पे खंजर लगाने वाला आज खुद लेटा हुआ है। अभी मैं गुस्से में हूँ पर वो देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अरे हाँ, तू कुछ बोल रहा था। तू बहुत दूर से बोल रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला, क्या बोला? मेरा पास बता। बोलना। फिर से बोलना एक बार। मेरी बहू के बारे में बोल रहा था, क्या बोला? कुछ नहीं